से देखते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खास बातें। घड़िया व्यक्ति अमित शाह ने किया पश्चिम बंगाल का अपमान, डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता और राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर सोमवार को हमला बोलते हुए उन्हें घटिया व्यक्ति बताया। डेरेक ओब्रायन ने यह भी कहा कि अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का अपमान किया है। एक चुनावी रैली में अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और कहा था, हम बंगाल के वैभव को वापस लाएंगे। ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला को कंगाल बांग्ला में बदल दिया है। उनकी दिलचस्पी बस अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए घुसपैठियों को संरक्षित करने में है, लेकिन उनका वोट बैंक उन्हें हार से नहीं बचा पाएगा। ओब्रायन ने अमित शाह को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, उस घटिया व्यक्ति शाह ने एक रैली में कंगाल बांग्ला इस शब्द का प्रयोग करने का दुस्साहस किया है। बंगाल के लोग उन्हें और मोदी को सातवें चरण में करारा जवाब देंगे। उस बदनाम व्यक्ति ने बंगाल का अपमान किया है। बीजेपी नेता सुनील देवधर ने कहा, टीएमसी के दलाल बन चुके हैं जावतपुर के डीएम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को जावतपुर में रैली करने की मंजूरी नहीं दी गई, साथ ही वहां उनके हेलीकॉप्टर को भी उतारने की अनुमति नहीं दी गई। इससे गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेता सुनील देवधर ने कहा कि पुलिस प्रशासन और डीएम रत्नाकर राव टीएमसी के दलाल बन चुके हैं, वही चुनाव आयोग भी पक्षपात कर रहा है, वह भी टीएमसी की दलाली कर रहा है। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा था कि टीएमसी ने हताशा और कुंठा में पार्टी प्रत्याशी भारती घोष पर हमला किया, जिसमें उनके सुरक्षा कर्मी और वह खुद भी घायल हो गई थी। व्हाट्सएप वॉइस कॉल से फोन पर इजराइल स्पाईवेयर डाला गया। व्हाट्सएप में एक भेद्यता हमलावरों को आपके फोन पर स्पाईवेयर डालने की अनुमति देती है। इस भेद्यता का उपयोग पहले से ही एक इजराइल खुफिया कंपनी ने फोन पर स्पाईवेयर डाउनलोड करने के लिए किया है। ये भेद्यता आईफोन और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। व्हाट्सएप ने पैच तैयार होने का दावा किया है। सूत्रों ने सलाह दी है कि आप सभी इस नए अपडेट को उपलब्ध होते ही इंस्टॉल करें। दुर्भावनापूर्ण कोड इजराइल की एक गुप्त कंपनी एनएसओ ग्रुप ने विकसित किया था। यह तब भी काम कर सकता है जब आप अपने फोन का जवाब नहीं देते हैं और कॉल अक्सर कॉल लॉक से गायब हो जाते हैं। व्हाट्सएप अभी तक ये अनुमान नहीं लगा पाया है कि इस भेद्यता की वजह से कितने फोन को टारगेट किया गया है। तो एमएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।